हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर लवली अर्पिता। तो गाइस, यू आर वाचिंग मॉम एंड हर मिनी। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ एक नए और लाजवाब वीडियो के साथ। तो गाइस, मैं और मम्मी जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल। मैं तो काफ़ी बार आ चुकी हूँ अपने कजिन्स के साथ यहाँ पे, लेकिन मम्मी कभी भी नहीं आई है। मम्मी का कोलकाता में बहुत साल हो गए यार, लेकिन मम्मी ने सीरियसली विक्टोरिया मेमोरियल देखा नहीं था। तो मैंने और मम्मी ने प्लान किया कि चलो इस संडे पे हम जाते हैं विक्टोरिया की ओर। तो हम कुछ खा के आए नहीं थे, तो सुबह सुबह हम विक्टोरिया उतर के ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, फ्रूट सैलड खाया। और उसके बाद यार मैं जब गई ना वहाँ पे, यार बहुत लंबी लाइन थी, मतलब इट टुक एन आवर गेट अ टिकट। यार सच बता रही हूँ मैं, मतलब झूठ नहीं है। तो एनीवेज हमको टिकट वगैरह मिल गया था, मतलब देखो अभी भी लाइन है, लेकिन मिल जाएगा फाइनली। हम अभी लाइन पे खड़ी है और ये रहा हमारा दो टिकट, और अब हम एंट्री करने वाले हैं। तो चलो आप भी थोड़ा सा नज़ारा वज़ारा देखो, इसका हिस्ट्री के बारे में यार प्लीज़ मुझसे मत पूछना, क्योंकि यार बहुत ही ख़राब हूँ हिस्ट्री में। तो आप नज़ारे का मज़ा लूटो, और अभी के लिए मैं अपना कमेंट्री करती हूँ यहाँ पे बंद। बाय। तो गाइस, ये था विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर का नज़ारा। इट्स अ म्यूज़ियम एक्चुअली, मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें थी। तो मैंने देखा थोड़ा थोड़ा फोटोग्राफ्स वगैरह देख के जो समझ में आया, मतलब वहाँ पे जो मतलब था कि मतलब कैसे स्टार्ट हुआ ये विक्टोरिया मेमोरियल, जब यहाँ पे था नहीं तो वो मतलब लैंड कैसा था वगैरह वगैरह, ऐसा सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे थे। और ये सारे फोटोग्राफ्स थे विच वॉज क्लिक्ड बाय द बेस्ट फोटोग्राफर्स, मतलब कोलकाता के। तो अच्छा अच्छा फोटोस था, मतलब एनिमल्स रिलेटेड। तो मतलब ये एक्चुअली थीम था ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड। तो हम म्यूजियम्स निकल चुके हैं और हम जाएंगे गार्डन की ओर। माई लेग्स वे सुपर टायर्ड, तो मैंने मम्मी को बोला चलो मम्मी कहीं पर बैठते हैं। तो हम लोग बैठने का जगह ढूंढ ही रहे थे, ढूंढते ढूंढते हमको ये एक पेड़ मिला जहाँ पे कुछ अजीब अजीब सा फ्रूट्स टाइप, मतलब फूटी है ये मिला। मैंने पूछा था ये क्या है, तो मुझे भी पता नहीं क्या है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बस यही फ्रूट देखते देखते हमको एक बैठने का जगह भी मिल गया। तो हम लोग जा रहे उस पेड़ की ओर, वहाँ पर जाके मैं और मम्मी थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5-10 मिनट रेस्ट लिया और फिर निकल पड़े गार्डन को एक्सप्लोर करने। मेरे पैर में पता नहीं लग रहा था कि खुल ही जाएगा, इतना दर्द हो रहा था। मतलब इतना बड़ा एरिया है ना, हमने पूरा कवर किया भी नहीं, आधे में हो गया हमारा सत्यानाश। तो मैं आधा मतलब जैसे तैसे बस थोड़ा घूमा। वैसे व्यू बहुत अच्छा था, और अगर आपको जाना हो ना तो ठंडे के दिन पे जाना अच्छा है। मेरी मम्मी को तो बहुत पसंद आया ये विक्टोरिया का जो सीन वगैरह था। अब मम्मी खुश तो मैं भी खुश। तो इसी गुड नोट पे हम लोग अभी निकल रहे हैं, ये हम एग्जिट कोर्ट गेट की ओर जा ही रहे हैं। मतलब टायर्ड हो गए थे, लेकिन हमने बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज ली, और आप मेरे शक्ल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कितने टायर्ड एकदम, मतलब आई वाज जस्ट पिस्ड ऑफ। मतलब इतना ज़्यादा नींद आ रहा था ना, मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि मम्मी छोड़ो और वीडियो वीडियो मत करो, लेकिन मम्मी तो मम्मी है यार। अच्छा, मैं फिर भी वीडियो कर ली, काम पे आ गया।
तो उसके बाद मैं गई और मम्मी गई एस्प्लेनेड, और वहाँ का हमने खाया छोले भटूरे। हम लोग कभी भी कोलकाता जाते ना तो ये मैं और मम्मी हमेशा करते, छोले भटूरे खाना ही है। उसके बाद हमने लिया स्वीट कॉर्न, और मैं यहाँ पे अपना वीडियो एंड करने वाली हूँ। टाटा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।